कर दिया होगा नारायण नारायण। हाँ सब लोग सोचते देशवासी भी सोच हम तो रुतुम ना निंदे फलाना ऐसा है नहीं ईश्वर की स्मृति है कुसुम की निंदा ना करो निंदा ना करो मांस भक्षण न करो उपद्रव न करो न करवाओ तो सभी को मैं इस बात को हृदय पूर्वक शाबाश देता हूँ धन्यवाद देता हूँ कि जोधपुर नहाने की बात मान ली वो मेरे माई के लालों को उनके माता पिता को धन्यवाद है। अब दूसरी बात है कि कोई ऐसे भी लोग पैदा हो गए कि आश्रम का नेतर पेट की नकल करके और बाबू के साधक ये करें वो करें ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे और संचालक फलाना ऐसा कोई फर्जी संचालक बन जाते और साधकों को बदनाम करने के लिए प्रशासन से या पुलिस से भिड़ाने की कोशिश करते हैं तो भिड़ने की ये उसी नहीं करेंगे मेरे बच्चे साधक को। अब तीसरी बात है कि बड़े मन वाले बनो तो बड़ा मन तो ये है कि पहले बच्चे खाएं फिर माँ बाप पहले शरद और शिंती को निकलवाएंगे बाद में हम आ जाएंगे तुम्हारे बीच चिंता की कोई बात नहीं जितनी बड़ी गाज गिरती है उतने बड़े रास्ते भी बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो हो गया वो सब ऊपर एक से एक कोरते हैं कहीं गलती होती तो दूसरी ऊपर की कोरत सुधार लेती है समझ गए ना। तो बड़े मन वाले भी बनो और धैर्यवान भी बनो और उपद्रवियों से भड़काने वालों से बचो और हमारा किसी भी पार्टी से किसी व्यक्ति से किसी परिस्थिति से विरोध नहीं है। हम तो गांधीवादी है और हमारे प्यारे भी गांधीवादी है अहिंसा परमो धर्म न बेवकूफ बनो न दूसरे को बेवकूफ बनाओ न दुखी रहो न दूसरे को दुखी बनाओ। दुखाकार वृत्ति आती है चली जाती है सुखाकार वृत्ति आती है चली जाती है तुम उन दोनों के साक्षी हो तो अपने आप में रहो। दुख आया सुख आया तो सत्कर्म होता है सत्कर्म होते हैं और मैं तो मेरी बच्चियों को महिला आश्रम की बच्चियों को और गुरुकुलों के बच्चे इतना इतना धन्यवाद हूँ इतना इतना स्नेह पूर्वक शाबाश देता हूँ कि मैंने बोला कि पहले मेरे समर्पित बच्चे खाएंगे बाद में नारायण और भारती खाएगा मैंने अपना वचन निभाया तो मेरे बच्चों ने भी नारायण भारती ने भी निभाया और अपने पैरों पे खड़े हो गए और इन इस आश्रमों में रहने वाली मेरी बच्चियों को भी मैं खूब खूब शाबाश देता हूँ। सभी के नाम ले पाऊंगा तो 10 दिन में भी पूरे नहीं होंगे सभी को खूब शाबाश है। बहुत गई थोड़ी रही व्याकुल मन मत हो धीरज सबका मित्र है करी कमाई मत खो। अब दिल्ली वाले बोलते हैं आश्रम वालों को तब दबाव बनाओ लीगल वाले ऐसे हैं वैसे हैं ये भड़काऊ लोगों का काम है न लीगल वालों का कोई कसूर है न आश्रम वालों का कसूर है ये परिस्थितियां आती रहती हैं। वो जो अवसरवादी हैं वो आश्रम वालों को बदनाम करके खुद आश्रम के कुछ संचालक बनना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि हमारे भक्त जानते हैं कि आश्रम वाले बापू को चाहते हैं बच्चियां भी चाहती है बच्चे भी चाहते हैं जो नहीं चाहते हैं बाहर से वो भी भीतर से तो सत्संग सुनते वाह वाह करते हैं। और यहाँ भी 1500 भाई रहते हैं कोई भी मंदिर मेरे प्रति नाराज नहीं है बाकी उछालने वाले तो देवियों ने थालियां बजाई अरे थालियां नहीं उन्होंने तो बेचारों ने खाना छोड़ दिया बाबू कपू कपू गुरु ऐसे बाबू है नहीं बापू को ये हो गया वो हो गया ऐसी बातों में नहीं आना बड़े मन वाले बनना बापू के बच्चे नहीं रहेंगे कच्चे धीरज सत्ता मित्र है। मैं 2-4 दिन से प्रयत्न कर रहा था कि तुम्हारे साथ बात करूं और तुम्हारे दिल तक मेरी दी की बात पहुंचे लेकिन यहाँ की कुछ व्यवस्थाएं कुछ कानूनी नियम के अनुसार मैं तो कानून को व्यवस्थाओं को किसी भी समाज का सहयोग देना जानता हूँ और यहाँ के DIG साहब या और भी स्टाफ पुलिस स्टाफ सब बंदी सब मेरे सिख में सब बहुत दुखी हो गए मेरे को फिर प्रसन्न देखकर उनका दुख भी मिट जाता है कि बापू तो यार मौज में है तो बापू तो मौज में क्योंकि बड़े बापू की बात मान लिया तो अभी मेरी बात मान लो आती है परिस्थितियां आंधी तूफान आती है ऐसा हजारा लहरा लगता है
बाद में मौसम बड़ा सुखदायी हो जाता है, बढ़िया सुखदायी परिस्थितियां आएगी। लेकिन मैंने तो ये मन में फाड़ दिया, पहले तो शिल्पी बेटे को निकालूंगा, फिर शरद बेटे को निकालूंगा, उनके पीछे आगे चेला पीछे गुरूंगा। इसलिए दिल्ली वाले भी धैर्य करना, और स्वामी जी का तो बड़ा स्नेह है हमारे प्रति, और स्वामी जी की सेवा कहाँ लेना वो हम भी जानते और स्वामी जी भी जानते। इसलिए दिल्ली वालों पर दबाव न बनाओ, और स्वामी जी का हमारे प्रति क्या प्रेम है और हमारा क्या प्रेम है वो सब भी जानते हैं। जहाँ हाथी से छकड़ा नहीं खिंचवाएंगे हम लोग, जहाँ और वकीलों की जरूरत पड़ेगी वहां उनसे ही इन बच्चों का काम कराएंगे, और मेरा काम तो जब समय आएगा तो फिर तुम देख लेना। इसलिए दिल्ली वालों पर दबाव बनाकर राजकारण खेलने वाले थोड़ा सावधान हो जाए बेटे, हमारे साधकों से राजकारण की कीचड़ मत उठा लो, और किसी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश न करो। हम बाबू के साधक हैं, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ये हमारे शिष्यों की भाषा ही नहीं है। फजील लेकर पेट बना के चलो जोधपुर पहुंचो, ये करो वो करो, पैसे यूट्यूब भी डाल देते हैं, ऐसा कर देते हैं। लेकिन इस बार आपने सब ने ऐसी अफवाहों को नकिया मेल कर दिया और नहीं आए, तो मुझे बड़ी संतुष्टि, विश्वराज भी संतुष्ट है और भी सब संतुष्ट है। बाकी ये जो आया है वो तो हो जाती है कहीं चुप, तो बड़ी चुप होने से बड़ा रास्ता भी निकलता है। भगवान सबका भला करे, हम किसी को क्यों कोसे। नारायण नारायण नारायण, हरि ओम 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 भगवती ओम 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 प्यारे जी ओम 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 आत्मदेव ओम ओम परमात्मा देव ओम 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 ओम। सभी लोग 225 देशों वाले हास्य का प्रयोग करके चिंता धर्म और मायूसी को भरवा दोगे तो मैं समझूंगा तुमने मेरे को खूब आप क्या कर दी। दूसरी बात बताऊं कि इलाहाबाद की कोई प्रसिद्ध अखबार ने लिखा कि बापू के भगत बोलते हैं कि हम किसी मीडिया की बात से या किसी न्यायालय के निर्णय से बापू के शिष्य नहीं बने हैं, वो तो अभी भी उतनी श्रद्धा रखते हैं, ये गजब का है। तो मैं वैसे मीडिया वालों को भी धन्यवाद देता हूँ जो हमारे साधकों की सज्जनता को भी प्रकाशित करते हैं, और जिन्होंने नहीं किया वो भी करें। इलाहाबाद की प्रसिद्ध अखबारों ने किया है तो और वाले भी करें, और नहीं भी करें तब भी हम तो उनके लिए धन्यवाद ही देते हैं। जो भी जैसा भी निगेटिव भी प्रचार करते हैं उनको भी भगवान सद्बुद्धि दे, जो भी जैसा भी हो सबका मंगल करता भला। महामना स्यात् लोकान् न निंदेत्, ऋतुं न निंदेत्, पशुं न निंदेत्, पक्षीं न निंदेत्, मदीयां न पिबासं न भक्षेत्। महामना स्यात्, ये उपनिषद का वचन मैंने आत्मसात किया है तो मैं तो मौज में ही रहता हूं, तो आप क्यों दुखी हो गए। अभी जो सुन रहे हैं पास में वो भी गर्दन हिला रहे हैं। आपको जो बोल रहा हूं देशवासियों को विदेशवासियों को, यहाँ कुछ लोग खड़े खड़े सुन भी रहे हैं। वाह वाह, ये तो जीवन का फल है। जरा सा डंडा देख के पूछ लग जाए, जरा सा ब्रेड दे के पूछ हिलने लग जाए तो कुत्ते में और हमारे में क्या फर्क है। जरा सा दुख आ जाए हम दुखी हो जाए, जरा सा सुख आ जाए तो छाती फुला ले। अरे छोड़ो, श्री कृष्ण कहते हैं सुखम वाह यदि वाह दुखम का योगी मरा। सुखद परिस्थिति आ जाए चाहे दुखद परिस्थिति आ जाए, आई है ना हो जाएगी, जो परिस्थिति आती हो जाती कि नहीं आती ऐसी परिस्थिति हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। तुम नित्य हो रहने वाले और शरीर और परिस्थितियां अनित्य है, तो अपने आप को याद करो मैं अमर हूँ चैतन्य हूँ। बापू ने जो सिखाया है लीलाशाह भगवान ने मुझे सिखाया, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, सीख लो बस। और मेरे साधकों की तो जोधपुर आने वालों की तो तपस्या फली, और जोधपुर नहीं आए और आज्ञा मानने में आखिरी में तो सभी ने आज्ञा मानी, लेकिन पहले जो आए उनकी भी तपस्या फली, मान अपमान सहा, और अभी बाद में वो भी नहीं आए तो उनकी भी गुरु भक्ति फली। आपकी कैसे साधना भगवान कराना चाहते हैं और मेरी परोपरिपक्वता साधकों को कैसा दिखाना चाहते हैं, तो भगवान जो जानते हैं ना
और तुम लोग नहीं जानते। अरे बापू ऐसी परिस्थिति में बापू निर्लय बापू निर्दुख है, तो बापू निर्दुख है तो तुम बापू के बच्चे हो, तुम काय को दुखी हो गए, तुम काय को परेशान हो गए। बीत जाएगा, हर अपने अपनी जगह पर बैठते सब, और सत्संग करने वाले सत्संग करते रहे, बाल संस्कार वाले बाल संस्कार चलाते रहे, और क्या करना है। बस हरिओम शांति। आसाराम बापू बोल रहा हूँ, सुना न आवाज गया? हाँ जी हाँ जी। अब कोई लेटर पेड बेटर पेड आवे, या बापू की आज्ञा है, या बापू का वीर बोलता है, बापू के शिष्य की है बापू ने ये कहा है, भ्रामक प्रचार में नहीं पड़ना है, मेरे सिद्धांत पे चलो के। अच्छी बात, नारायण नारायण। आश्रम वाले बुरे नहीं है, सब हमारे प्यारे हैं बच्चे हैं, कोई 19-20 कर दे तो उसका बता देना मेरे को, देर सवेर उसको बोलो भाई तुम गलती करोगे तो बापू तक हम भेजेंगे पत्थर। बस एक आश्रमवासी 19-20 गलती किया तो सब आश्रम वाले को अथवा लीगल वालों को कोसो, अथवा आश्रम वालों को आश्रम खाली करा के अपन घुस जाएंगे। अरे बच्चे अभी कल के करते हो, तुम नहीं घुस पाओगे उनकी जगह पे। नारायण नारायण नारायण। हेलो, हाँ जी फोन रखिए। पसीना भरता जा, अंत चादर सोता जा, इस संसार की किस्ती नाव तो रीती जाएगी, अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया, इसमें क्या है, होके बदल जाता है। आज का सत्संग ऐतिहासिक सत्संग होगा। नारायण साई भारती माँ, ऐसा इतना ही मेरा परिवार नहीं है, मेरे सारे साधक मेरा ही परिवार है, और जो साधकों को छू के खड़े हैं या साधकों को भला बुरा मानते हैं वो भी मेरा ही परिवार है। इस मान में साधकों का तो चिंतन करते हैं, देर बेर वे भी प्यारे हो जाएंगे, हो जाते हैं, समझ गए। नारायण नारायण नारायण। सभी आश्रमों में और सभी देशों में खबर पहुंचा जवा 27 तारीख शाम के 7 बजे ताजा बुलेटिन, ठीक है। फलानी पार्टी के विरुद्ध फलानी पार्टी के विरुद्ध हमारे साथक ये करेंगे वो करेंगे, हमारे इतने करोड़ साधक है, मैं फलाना संचालक, ये सब नकली दोष देते हैं पार्टियों, हमारे साधक ऐसी दोष नहीं देते। लेटर पेड आश्रम का लेटर पेड की कॉपी करके रमेश संचालक फलाना संचालक साइन करके यूट्यूब पे डाल देते हैं, अथवा फलाना कुछ कर देते हैं, बापू का वीर करके कुछ का कुछ बोल देते हैं, ऐसा ऐसी बातों में नहीं आओ। सबका भला, वीर है तो वीर का भला, गड़बड़ डालती तो वीर उनके सावधान करनी पड़ेगा, ठीक है। हरी ओम शांति। महिला आश्रम की मेरी बेटी लालिया, गुरुकुल आश्रमों की बच्चियां बच्चे समझ गए, अच्छे मार्ग तो लाते हो और अच्छे बनो क्षमता के मार्ग, कहीं लीलाशाह की पाठशाला में भी पास हो जाओ। गुरुकुल में तो अच्छे मार्ग लाते हो, अच्छा नाम कमाया है मेरे बच्चे बच्चे ने, लेकिन अब सुख के बड़े प्रलोभन आए अथवा दुख के बड़े पहाड़ गर्ज रहे, बिजलियां चमके रात अंधी आ रही हो, घन घटाए कारी हो, मंजिल तेरी दूर हो, घबराना नहीं है, मजे में रहना। मैं ये 2-3 दिन से पहले दूसरी दिन 25 तारीख को मेरा मन करा कि सबको दुख की काजगिरी होगी बताऊं, लेकिन आज हो गया, मौका मिल गया। बस नारायण नारायण नारायण। मैं आसाराम बापू बोल रहा हूँ, समझ गए, कभी पहचानते हो। और ये जो लोग इधर उधर की बातें करते ना उनको भी सुना लो कि भाई देखो कि बापू जी का सत्संग है, वैसा हो गया वैसा हो गया वैसा हो गया, तुम्हारे बापू ऐसे वैसे। अरे मैं पूछता हूँ कि भाई एमकॉम एमटेक किया हुआ शरद अमेरिका से पढ़ के आया, और शिल्पी एमए किया है साइकोलॉजी में, और दोनों ने अपने को भी समर्पित किया, उनके मम्मी पापा ने अपने नोटों को भी थोड़ा समर्पित किया, ऐसे सज्जनों की सज्जन बच्चे बच्चियां कोई बीमार व्यक्ति को तेरे पास भेजे और बापू को उससे छेड़छाड़ करें, ऐसे ये बच्चे बच्चियां कर सकते हैं क्या, और हम ऐसा कर सकते हैं क्या। जो टाइम बताते उस टाइम में तो 9 से 10:15 बजे तक हम सत्संग में थे, और 10 से
11 बजे 11:15 बजे तक तो मंगनी का प्रोग्राम चल रहा था। तो ये सच्ची बात देखते नहीं लोग, जो कुछ आ गया चिल्लाते रहते। हमको तो भरोसा है कि छत को आंच नहीं है देख कर और झूठ को पैर नहीं। बाकी झूठा कुतना कितना भी प्रचार प्रसार हो, अगर कितना भी आरोप लग जाए तो क्या मत। मेरे को तो गुरुओं के वचन याद है, बद होना बुरा है, बद कर्म बुरा है, लेकिन बदनाम होना बहुत बढ़िया है। तो मेरे बच्चे और बच्चे बदनाम हो रहे हैं और मैं भी बदनाम हो रहा हूँ, ये तो बड़ी तपस्या के दिन आ गए। वाह भाई वाह 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 नहीं शरद ही रहा बता आवाज में। शरद शरद बोल रहे हाँ जी हरिओम, मैं शरद हूँ, मैं शरद बोल रहा हूँ जोधपुर से, और मैं वहाँ पे अच्छा हूँ। और ऐसी कोई जो दवा प्रचार की कोई ये नहीं हो, कोई नहीं हो, आप चिंता नहीं करो, समझ गए। हरिओम नारायण नारायण। हेलो,